देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसके अंदर हम अलग अलग कंपाउंड्स के, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, एल्कीन, एल्काइन, इनके टेस्ट पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे POC, यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं जो ले रहा हूँ वो है हेलोफॉर्म रिएक्शंस, यानी ये एक तरह से टेस्ट है, किस कंपाउंड का टेस्ट है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला एक जनरल वे में तो है हेलो फॉर्म टेस्ट कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये कंपाउंड होना चाहिए, इसको बोलेंगे मिथाइल कीटोन। क्या बोलेंगे? मिथाइल कीटोन। अगर यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ H जुड़ा हुआ है तो एसीटोन हो गया। तो यहाँ पर कोई भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिनाइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल चलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई भी लोन पेयर डोनर एटम नहीं होना चाहिए। यानी अगर इसके साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया या नाइट्रोजन जोड़ दिया तो आप गलत हैं। ठीक है, इस तरफ सिर्फ फिनाइल, हाइड्रोजन या आर में से कोई भी एक चीज़ जुड़ सकती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब आगे अगर ऐसा कर लिया जाए और उसके बाद I2 इन एल्कली मीडियम, तो आपको CH3 या यहाँ पर क्लोरीन लिया जाए तो CH Cl3, ब्रोमीन लिया जाए तो Br3, CH Br3 मिलेगा। और दूसरा कंपाउंड कौन सा मिलेगा जो आपने ले रखा है? PH H/R। ये तो गया इस जगह, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन यही है। तो बाकी का जो कार्बन है वो आपको यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। तो समझने वाली बात ये कि ये आपको मिल रहा है आयोडोफॉर्म। मैं आपके साथ यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैंने इसका नाम X2 कर दिया और यहाँ पर भी X3 कर दिया। वेयर X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सिर्फ फ्लोरीन नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन तो वैसे भी इतनी हाई रिएक्टिव है कि आपको मिलेगी भी नहीं नेच। तो आप दो तरह से देख सकते हैं कि ये रिएक्टिविटी क्या है। आपको मिथाइल कीटोन यहाँ पर मिल रहा है जिसकी हैलोजन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। आपको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, यानी ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है? हेलोफॉर्म मिल रहा है। प्लस आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है। तो इस रिएक्शंस को, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं? आयडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोल रहे हैं हम? आयडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट, कोई डाउट? तो चलिए ये लिख लीजिए। तो की पॉइंट्स हमारे क्या रहेंगे? कुछ और रिएक्शंस हम देखना चाहते हैं। तो आपके पास अगर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 I2 और OH- लिख दिया जाए तो क्या बनेगा आपके पास? CH I3+ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 लिख दिया और यहाँ पर फिर आयोडीन लिया OH, तो आपको क्या मिलेगा? CH3 उस तरफ है इस जगह, ध्यान से देखो। तो CH I3+ C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने दोनों तरफ C2H5 ले लिया तो क्या आपको इस जगह आयडोफॉर्म मिलेगा? नहीं, नो आयडोफॉर्म।
एक ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए अच्छे से, कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर आपने पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लिया ले लिया तो क्या यहां पर आइडो फॉर्म होगा आई टू और ओ एच मीडियम में? हाँ होगा, सी एच आई थ्री बनेगा और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। ठीक है, तो यहां अगर आपने पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव ले लिया तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यानी कि देखा जाए तो मिथाइल कीटो ग्रुप आपको दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, मना कर दीजिएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट, अब आती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखिएगा मैकेनिज्म, मैंने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस आयोडीन इन एल्कली मीडियम ओ एच। स्टेप फर्स्ट, क्या होगा स्टेप फर्स्ट यहां पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये आयोडीन आई टू इस आयोडीन के साथ अटैच होगी और एक माइनस अलग जाएगा, यानी कुल मिला के ये जो आयोडीन है प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है, OH है तो NaOH भी है, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा Na(I) और एक बनेगा IOH। IOH में I पे क्या चार्ज है, प्लस, बोलो हाँ, तो ये जो I प्लस है और एक I माइनस है, होने दो, लिख रहे हैं यहां पर, लिखो एक मिनट। अब बात आती है मैकेनिज्म की, आप ही बताएं, मैंने आपको क्या कहा है यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और मीडियम कैसा है ओ एच माइनस। ठीक है, यहां दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये इस तरह से जाए और इस तरह से जाए और वापिस एक आए, इसको अपन बोलते हैं एस एन ए ई मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, यानी ये जाए फिर यहां पर किस तरह से होए आर सी ओ माइनस ओ एच और यहां पर क्या रहे सी एच थ्री, फिर ये यहां आएगा और ये चीज कोई बाहर निकलेगी तो वापस खुद ही निकल जाएगा। सबसे अच्छा लिविंग इन ग्रुप इन तीनों में कौन है, ओ एच ही, ओ एच बेकार है लेकिन बाकी के तो महा बेकार है, तो ये होने से कोई फायदा हुआ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, वही कंपाउंड दोबारा मिल जाएगा। अब दूसरा काम क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एच प्लस ओ एच माइनस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस एच को ले जाए तो क्या होगा इससे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन फिर भी है और हमारा एनएच बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो सी एच टू माइनस, दिक्कत नहीं है। अब ये एक तरह से क्या बन जाएगा, सी एच टू माइनस अपने आप में न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल के साथ एक और पॉइंट है, ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन भी दे सकता है, दे सकता है ना, लेकिन यदि इसको देखा जाए आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू माइनस, ये दो जगह अटैक कर सकता है, एक ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ऊपर अटैक कर सकता है, दूसरा इसको आई टू मिला हुआ है
अगर आई टू मिला हुआ है तो ये इसके ऊपर भी तो अटैक कर सकता है और आई को बाहर निकाल सकता है। तो एल्डोल के कंपेयर में इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। और दूसरा, इसमें अलग ही अपने आप में पीपीटी बन जाता है, और जिस रिएक्शन में पीपीटी बन जाता है एक तरह से, बस वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो आपके पास एक और चीज़ आ सकती है यहाँ पर, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू आई, बन गया, कोई दिक्कत समझने में? तो ये इससे पहले कि ये एल्डोल दे, ये काम भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपने ये बनाया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू आई, फिर कौन आया? ओ एच आया, ओ एच ने फिर अटैक किया, क्या बन गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस आई बन गया, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये बड़ी मुश्किल से चुपचाप करा था, वापस एग्रेसिव हो गया। अब क्या करेंगे आप? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस आई, फिर आयोडीन, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं, इसको आयोडीन गैस दे देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये? आयोडीन यहां दिया, और अब आपके पास क्या बन जाएगा इस जगह? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच आई टू, और बाकी का जो आयोडीन है, ये तो प्लस वाला है, माइनस वाला कौन ले लेगा? के आई या एन आई, जो भी है, यहां पर के प्लस भी है कंटेनर में, और वही काम यहां पर भी कहीं हुआ होगा। कोई डाउट? सोडियम या पोटेशियम में से कुछ भी हो सकता है, सही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, यही काम दोबारा भी हो सकता है। और फाइनल, अब यहां तक तो पहुंच ही गए आप, ओ माइनस, ये ओ माइनस इस एच को लेगा, एक बार और रोने लग गया ये, सी डबल बॉन्ड ओ सी माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा? आई टू, फिर हमें आयोडीन देके चुप कराना पड़ेगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आई थ्री, ये बन गया। चलिए ठीक, अब आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आई थ्री ओ एच माइनस, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है, इस समय लिविंग ग्रुप अच्छा है। अब क्या करेगा? अब ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, वापिस आएगा और ये निकल जाएगा। आ गई, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी इस जगह? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, और आपको क्या मिलेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी आई थ्री माइनस, प्रोटोन ट्रांसफर होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी आई थ्री के बीच में प्रोटोन ट्रांसफर होगा, उससे क्या बन जाएगा आपके पास? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस सी एच आई थ्री, कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो ये बहुत फाइनली हमारे को वही जो हम सोच रहे थे, आइडो फॉर्म टेस्ट में आइडो फॉर्म तो बनना ही चाहिए, बन भी गया, ठीक है। लिखें इसको, फिर समझ लो। मैं ये एक तो ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप का तो कोई रोल रहा ही नहीं, नो इफ नॉट इफेक्टिव। तो यहां आया, ये इधर गया, नेगेटिव चार्ज, ये आया वापस, यही निकल गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका होना नहीं होने से कोई फर्क नहीं था। तो अब आप मेरे को बताओ, इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में OH कितनी बार कंज्यूम हुए? एक, दो, OH, तीन, चार, पक्का? तो पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है, इन अबाउ रिएक्शंस, अबाउ रिएक्शंस, फोर मोल ऑफ KOH कंज्यूम, भाई कितने मोल कंज्यूम हुए? फोर मोल हो गए ना, ठीक है। जिसमें से तीन मोल तो कहां हुए? एसिड बेस में, और एक कहां हुआ? SNAE में, लिख लो। थ्री कंज्यूम
एसिड बेस रिएक्शन एंड वन कंज्यूम एस एन ए ई रिएक्शन। कुछ समझ में आया? चलो ठीक है। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहां एस एन ए ई भी हो गया, सब कुछ सही है। आयोडीन कितना कंज्यूम हुआ है? आयोडीन आई टू, आयोडीन तो तभी हुआ है जब एसिड बेस रिएक्शन हुई तो सी एच टू माइनस बना या सी एच माइनस बना या सी माइनस हुआ, तभी आयोडीन की जरूरत पड़ी। तो कितना मोल कंज्यूम हुआ? तो अब आप लिख सकते हो इन अबव रिएक्शंस, यहां से लिख रहा हूं, इन अबव रिएक्शंस थ्री मोल ऑफ आयोडीन विल रिक्वायर्ड, थ्री मोल ऑफ आई टू इज रिक्वायर्ड। सही है, तो चार मोल तो KOH और तीन मोल आई टू कंज्यूम हुआ है, हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट, देखिए ये सब कुछ तो हमारे साथ हो गया जो हमने कर लिया, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि ये किस ऑर्डर की, उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा, हमने इतनी सारी स्टेप्स में करा है, ये तो स्टेप काउंट ही नहीं करेंगे। ये है हमारी रिएक्शन की स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स और स्टेप सेवन, बहुत सारी स्टेप्स में हुआ है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें आरडीएस कौन सी है। देखो सिंपल सा है, एक हेलोजन आने के बाद दूसरा हेलोजन, सॉरी एक हेलोजन आने के बाद एसिडी की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिक्कत कब आती है? पहला हाइड्रोजन लेने के लिए, ये बहुत स्ट्रांग बेस नहीं है, सॉरी ये स्ट्रांग एसिड नहीं है, बहुत ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है HCl HNO3 या CaCCOOH जैसा? नहीं होता, वीक ही होता है। तो RDS हमारे लिए यही है, ठीक है ना। क्यों ये RDS है तो वो पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा ऊपर आराम से इस जगह। क्या लिखेंगे इसके अंदर? फर्स्ट स्टेप इज RDS, फर्स्ट स्टेप इज RDS, रीजन बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन या कार्बोनाइट, कीटोन इज एसिडिक, मैं माना हूं एसिडिक है बट नॉट स्ट्रांग, एसिडिक है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ही हमारे लिए क्या है? RDS। और अगर फर्स्ट स्टेप RDS हो जाती है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, रेट कांस्टेंट। फिर जो भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसको आप बोल सकते हो मिथाइल कीटोन, एक तो वो आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा? OH। सही है, आयोडीन तो आया ही नहीं, आया क्या? नहीं आया। तो रेट इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये भी हमारे पास पॉइंट बनेगा नेक्स्ट पॉइंट के बाद, रेट इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो आप ये भी लिखें, रेट इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जगह हेलोजन लिख सकते हैं, लिख लिया आपने। फिर वापस कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए, हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा, उसकी मैकेनिज्म पढ़ी और उसकी काइनेटिक भी पढ़ ली ना। कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स और आ रही है हमारे लिए, जैसे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शंस। तो आपने अभी हाल पढ़ा, इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। हम पहले भी कर चुके हैं ये, तो R इक्वल टू के, एक तो है हमारे पास मिथाइल कीटोन की कंसंट्रेशन और दूसरा है OH की कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, अगर मैं आपको यहां पर दे देता हूं मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन कैसे देता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है, मैंने एन ए ओ आई लिख दिया, मैंने एन ए ओ सी एल लिख दिया, एन ए ओ सी एल का मतलब ही यही है एन ए ओ एच प्लस सी एल टू, और मैंने एन ए ओ बी आर लिख दिया, यहाँ आर वन रेट है, यहाँ आर टू रेट है, यहाँ आर थ्री रेट है, तो बताइए इनमें ऑर्डर क्या होगा, रेट का ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे बड़ा होगा R1, R2, R3 में। आपका आंसर सही है, सब बराबर होंगे क्योंकि NaOH सबकी जगह सभी कंसंट्रेशन क्या है सेम है, यहाँ कंसंट्रेशन C है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन C है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन C है, सिर्फ हैलोजन चेंज है और हैलोजन चेंज होने का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है कि हैलोजन रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं है RDS में, ठीक है, तो उसका कोई खास इफेक्ट पड़ भी नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट, यानी इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि हैलोजन की रिएक्टिविटी अगर नॉर्मल होता तो हम जनरली क्या बोलते थे, Cl2 की रिएक्टिविटी Br2 से ज़्यादा और Br2 की आयोडीन से ज़्यादा, हर जगह बोलते थे हैलोजिनेशन में देख लो आप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेरे पास जो निकल के आ रहा है, आप NaOH प्लस Cl2 को NaOI भी लिख सकते हो, NaOCl भी लिख सकते हो, NaO और NaOH प्लस आयोडीन को NaOI भी लिख सकते हो, और NaOH प्लस Br2 को NaOBr भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो CaOH2 भी अपने आप में एक बेस है, प्लस Cl2 को आप CaOCl2 भी लिख सकते हो, यानी ये हेलोफॉर्म ये भी देगा, कोई दिक्कत समझने में। तो बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि हाँ ये नहीं दिया जाए, डायरेक्ट ये दे दिया जाए इसका मतलब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन कराना है, ना कि एल्डोल कंडेंसेशन। आ रही है बात, कुछ क्लियर है? तो मैं यहाँ पर छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ, अगर आपको सी एस सी सी डबल बॉन्ड ओ और एच लिखा जा रहा है और आपको यहाँ पर NaOH लिखा है और एक NaOI लिखा है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगी, एल्डोल, और यहाँ कौन सी होगी, हैलोफॉर्म। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको कभी ऐसा कोई कंपाउंड दिया है एल्कली मीडियम में, ध्यान से सुनिएगा, ये एल्कली मीडियम प्लस आयोडीन या हैलोजन कोई भी, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसको कीटोन में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो जब भी ये दिया जाए, क्योंकि हमारे पास हैलोजन तो है ही, एल्कली मीडियम भी है, तो हमारे को सीधा इसको कन्वर्ट करना है इसमें। कर सकते हैं, लिखें इसको। मैं चाह रहा हूँ कि ये अल्कोहल यहाँ पर H ऑब्लिक R कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ H होना चाहिए, अगर तीनों जगह R हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, तो
तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में? तो यहां पर ये पॉइंट भी लिखना, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज। इससे क्या पता चल रहा है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और 3 डिग्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट 5 हो गया हमारा। 6 पॉइंट, ये कार्बन है और यहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी हैलोजन, ये एच है, यानी ये 2 डिग्री या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यहां पर आर ऑब्लिक एच, यहां आर ऑब्लिक एच। अगर आपने OH ले रखा है, एल्कली मीडियम ले रखा है, ले ही रखा होता है एल्डोल, ये क्या कहते हैं, एल्डोल हो या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन हो, एल्कली मीडियम तो सब जगह ही होगा, तो क्या होगा C, ये किस में चेंज हो जाएगा OH, और ये अंदर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद वापिस आपके पास कौन है यहाँ पर, I2 प्लस एल्कली मीडियम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड O H में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत? और अगर यहाँ पर सिक्स और फिफ्थ केस में, सेवेंथ पॉइंट जो बनेगा इन सिक्स एंड फिफ्थ एंड सिक्स केस, अगर एक भी आया आर CH3 हो गया, इफ वन आर ग्रुप इज CH3, यहां CH3 आ गया तो यहां पर भी CH3 आएगा, और CH3 आते मिथाइल कीटोन बन जाएगा, जनरेट मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन ग्रुप एंड गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शंस। आ रही है बात समझ में? तो वो कंपाउंड हमारे पास, देखिए ध्यान से, यानी आर और एच में अगर एक भी हमारे पास CH3 हो गया तो CH3COOH आ गया, ठीक है, एक एच यहां हटाना पड़ेगा। अगर एक भी हमारे पास यहां पर CH3 आ गया तो मिथाइल कीटोन बन गया, और मिथाइल कीटोन बनते ही हमारे पास ये भी क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। यानी ये कहना कि मिथाइल कीटोन देते हैं, हाँ देते हैं, एल्कोहल नहीं देते, गलत है, मिथाइल एल्कोहल भी देते हैं, मिथाइल एल्काइल हैलाइड भी देते हैं, कोई समझने में दिक्कत आ रही है? बस लिखें इसको। हम बात करते हैं कुछ एल्डोल रिएक्शन के कुछ अच्छे एग्जांपल की, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन CH3, मैंने ले लिया I2 प्लस OH माइनस, क्या बनेगा इसके अंदर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस CH I3, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से ले रहा हूं मैं कि PH सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या ये I2 और OH के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है ही नहीं। तीसरा एग्जांपल PH सी ओ एच 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 आयोडीन और OH माइनस, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये देगा PH सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो बना लेगा, ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा लेकिन अब नहीं देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, PH
COH CH3H, आयोडीन OH माइनस के साथ PH C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि CHI3 देगा। 5 PH COH H C2H5, आयोडीन OH माइनस क्या बनाएगा, ये PH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसके बाद दो ही अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा, कोई रिएक्शन आइडोफॉर्म जैसी नहीं होगी, नहीं देगा। और आ गई बात समझ में, 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल करते हैं। 6, अगर मैंने बात ले लिया पीएच फिनाइल ग्रुप COH CH3 CH3, क्या ये देगा I2 प्लस OH माइनस, रिएक्शन ही नहीं होगी, ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ही नहीं है, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज। कोई दिक्कत समझने में? 7th, अगर आप बात करते हैं 7th की, PH CCl CH3H, तो आपके पास सबसे पहले एल्कली मीडियम तो है PH COH CH3, बोलो यस, यहां बनेगा। फिर देखिए PH C डबल बॉन्ड O CH3 I2 प्लस OH के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारा अल्कोहल कीटोन में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद I2 और OH के साथ मिथाइल कीटोन दिख गया हमें, एक बार मिथाइल कीटोन दिख गया, मिथाइल कीटोन अगर हमें एक बार दिख गया तो हमारे को CHI3 भी मिल जाएगा, तो ये देगा। आ रही है बात समझ में? अगर ये कोई कंपाउंड है, तो क्या ये OH माइनस के साथ I2 और OH माइनस के साथ ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल है, नहीं होगा। एग्जाम्पल 9, अब ऑक्सीडाइज हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करेगा, लेकिन मिथाइल कीटोन नहीं है तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। फर्दर रिएक्शन के लिए मना कर देगा, क्यों? क्योंकि मिथाइल कीटोन चाहिए। आ रही है बात समझ में? लिखें इसको, ये हमारे पास है Cl Cl। एग्जाम्पल नंबर 10, 9 तक तो हम कर ही चुके हैं। अगर यहां पर आप एल्कली मीडियम रखेंगे OH माइनस, तो ये भी OH हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, OH, और एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? क्या ये अब एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा OH माइनस और I2 के साथ? हाँ, क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। तो एक क्लोरीन होता तब भी आ जाता, दो क्लोरीन है तब भी आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 11, अब क्या होगा, आप डायरेक्ट वही बना सकते हैं, क्या ये मिथाइल कीटोन है? नहीं, तो फर्दर CHI3 रिएक्शन नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 12, सही है, यहां पर H जुड़ा हुआ है, तो OH माइनस और आयोडीन की प्रेजेंस में क्या ये रिएक्शन होगी? देखते हैं कहां तक होती है।
बनेगा ये, और अब सी एच आई थ्री बनेगा या नहीं बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ आई टू प्लस ओ एच माइनस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर मिथाइल कीटोन है, हाँ यहां मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल बकायदा ये, और सी एच आई थ्री बनेगा 13। कोई दिक्कत समझने में? एग्जाम्पल 14। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज। अच्छे समझ में आ रहा है? लिखें यहां तक। अगर मैं कोई इस तरह का कंपाउंड लेता हूं, किस तरह का भाई? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन 14 है। ये कौन सा कार्बन है? कार्बन 14। तो मैंने कार्बन 14 को एक स्टार बना दिया, और कौन सा एग्जांपल है ये? 15। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? एल्डोल तो बात अलग है, सॉरी, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा OH माइनस एंड आयोडीन। तो सबसे ज्यादा पहले तो बात आती है OH माइनस, OH माइनस सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली ज्यादा है या ये वाली है, स्टार वाली? बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां पर माइनस चार्ज। फिर ये आई टू के पास रिएक्शन करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, यहां आयोडीन, डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद ओ एच माइनस फिर आएगा, फिर यहां पर एक आयोडीन तो है, एक माइनस भी है और डबल बॉन्ड ओ भी है। अब क्या होगा? फिर ये आयोडीन के साथ हेल्प लेगा और क्या बनाएगा? ये आयोडीन और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब क्या होगा? ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अगर यहां सी एस सी होता तो नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से क्या हो गया? पूरा का पूरा एसाइल ग्रुप हो गया, एक एसाइल और दो आयोडीन। ओ एच माइनस अब इस जगह कहां अटैक करेगा? यहां करेगा। ये हमारा कार्बन 14 चल रहा है कंटिन्यू, ध्यान रखना, स्टार में कंटिन्यू बना रहा हूं, ठीक है? तो जैसे यहां करेगा, ये आयोडीन यहां ओ माइनस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ओ एच। कोई दिक्कत समझने में? ये वापिस जो बना है इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। कोई समझने में दिक्कत आ रही है किसी को भी? और यहां पर कौन है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका अभी भी वेट कर रहा है। तो कुल मिला के ये क्या कंपाउंड बनाएगा? एक तो बनाएगा ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस, दूसरा क्या कंपाउंड बनेगा? ये वाला सी एच, यहां पर ध्यान से सुनना, सी आई टू है ये, माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अभी तक तो यही बना, कोई दिक्कत समझने में? यहां माइनस है और यहां प्लस है, ठीक है। प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, इस जगह से प्रोटॉन यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और एक तरह से सी एच आई टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। आगे अभी तो कहानी अभी बाकी है। फिर वापस ओ एच आएगा, ये ओ एच इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा,
तो क्या बन जाएगा, सी माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री आयोडीन आयोडीन, फिर ये वाला माइनस वापिस आयोडीन पे अटैक करेगा, और क्या बनाएगा, सी आयोडीन 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 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या अब OH एसिड बेस रिएक्शन देगा? नहीं। अब OH कैसी रिएक्शन देगा, SN AE, ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये वापस इधर आएगा और ये अलग हो जाएगा, और प्रोटॉन शिफ्टिंग भी मैं कर देता हूँ साथ के साथ, तो मेरा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, सी एच आई थ्री प्लस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ओ माइनस, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ वो स्टार वाला कार्बन एक यहाँ था एक यहाँ था, फिर वो कहाँ गया, अभी वो कहाँ पर है, इस जगह, ये अलग हुआ, वो स्टार वाला कार्बन मेरे पास ये है, मतलब आयोडीन के साथ ही घूम रहा है वो, यानी ये, यानी ये, यानी कि फाइनली ये सी एच आई थ्री, यहां पर, यहां, यहां से प्रोटॉन शिफ्ट कर दो, हाँ ले लेते दो एक साथ ले लेते, लेकिन मेरे को एक एक स्टेप अलग करके बताना था, एक साथ भी ले सकते हो लेकिन अलग अलग स्टेप करके बताना है, तो कितनी बड़ी स्टेप्स में हुई है, कंटिन्यू चल रहा है आपका, ये बना फिर ये फिर ये फिर यहाँ ये फिर यहाँ OH ने अटैक करके ये बनाया, फिर ये एक तरह से इन दोनों में प्रोटॉन शिफ्टिंग हुई, फिर ये बना, फिर इससे ये कंपाउंड बना और इससे ये बनाए और इससे ये बनाए, लिखें इसको, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के देखते हैं, सबसे पहले ये वैसा ही है जैसा हमने लास्ट मैकेनिज्म में देखा था, यानी कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ, और आयोडीन आयोडोफॉर्म इसी कार्बन पे होगा, इसका मतलब सी एच आई थ्री पे ही हमारे पास आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट दिख रहा होगा जिसमें कार्बन 14 है, तो ऑब्वियसली ये बनेगा तो ये नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर भी होगा, क्लोज है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ओपन था यहाँ क्लोज है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं बनेगा, तो ये भी होगा और ये ही बनेगा, बिल्कुल सिमिलर है, क्या यहाँ देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सिमिलर है, बिल्कुल देखने को मिलेगा और ये भी एज इट इज है। नेक्स्ट, क्या ये देखने को मिलेगा, हाँ ये भी देखने को मिलेगा और ये भी वैसा का वैसा ही कंपाउंड है, क्या ये देखने को मिलेगा, हाँ ये वाला कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक ज़्यादा है और ये रिएक्शन देगा, लेकिन इस बार ये वाला 14 वाला कार्बन मेन कंपाउंड में जाएगा और आयोडोफॉर्म में नॉर्मल कार्बन ही आएगा, इधर देखिए क्या यहाँ होगा, नहीं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक ही है जो एसिडिक है, उसके बाद नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जब ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी तो फिर ये भी क्रॉस होंगे, जब आयोडोफॉर्म ही टेस्ट नहीं हो रहा तो आयोडोफॉर्म कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो आयोडोफॉर्म आप क्या बोल सकते हो, नहीं है नेगेटिव है, आप नेगेटिव बोल सकते हो उसको, जो नहीं होता उसको नेगेटिव और जो होता है उसे पॉजिटिव, क्या यहाँ होगा, नहीं यहाँ पर भी नेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो ये भी क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं है, इस कार ऑक्सीजन को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल ये दोनों हैलोजन ओ एच ओ एच से रिप्लेस होगी अल्कली मीडियम में, और पहले अल्कोहल फिर कीटोन और फिर बिल्कुल हो जाएगा पॉजिटिव और कार्बन 14 बनेगा, यस कार्बन 14 वाला ही आपके पास हेलो फॉर्म में आएगा, हाँ या ना, यहाँ पर ये OH है ये OH है, बिल्कुल 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड OH पॉजिटिव, लेकिन ये चीज़ नहीं आएगी,
क्योंकि 14 कार्बन इस तरफ है। कोई समझने में दिक्कत आई? हमने बहुत अच्छे से किया है, लिखें इसको।